देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं वो नए साल के जश्न में डूबे तो हुए हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत भी भगवान के दर्शनों और पूजा के साथ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते अलग अलग धार्मिक नगरियों में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो जुटी हुई दिखाई दे रही है। दुनिया में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शनों और पूजा के साथ भी कर रहे हैं। इसी के चलते अलग अलग धार्मिक नगरी में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुड़ी हुई है। साल के पहले दिन भगवान राम की नगरी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की आराधना में लगे हैं। रामलला और महावीर हनुमान के आशीर्वाद के साथ श्रद्धालु साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। राम मंदिर बनने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। हाँ, ये प्रतिवर्ष 56 प्रकार की नववर्ष में इनके माध्यम से लगाया जाता है, और इस वर्ष का महत्वपूर्ण इसलिए है कि 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भवदीप मंदिर में विराजमान होंगे, और उसके पहले ही इनको 56 प्रकार के भोग का भोग लग जाएगा। यह बहुत अच्छी बात है। यह नौ वर्ष और साथ साथ नवीन रूप में भगवान को वह नवीन मंदिर जो भवदीप बन गया है उसमें स्थापना होगी, यह संयोग बहुत अच्छा है। और यह वर्ष भी बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक लग रहा है, और आशा है कि इसी प्रकार से जो भगवान रामलला को 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, इनके जीवन में इनके समस्त परिवार को रामलला की कृपा बनी रहे, सदा ये सुखी हो, आनंद से रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा दर्शन हुआ है, और अयोध्या में बहुत भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है गर्भगृह, और हनुमान जी का भी जीर्णोद्धार हुआ है, और हम चाहते हैं योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री बने रहें और मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में तीसरी बार फिर से शपथ ले। उधर नववर्ष में वाराणसी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार से गंगा घाटों तक श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगाकर पूजा पाठ कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आज बहुत ठंड है यहाँ पे, और हम हैप्पी न्यू ईयर पे नई साल के बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि आप सभी के, हमारे जितने भी आपके दर्शक हैं, उन सबको नई साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और 2024 आपके लिए बहुत लाभकारी हो। बाबा काशी विश्वनाथ से यही कामना करते हैं, सभी देशवासियों को नव बरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठंड का असर है? अरे सर्दी इतनी पड़ रही है, इतनी मतलब हमारे यहाँ पे थोड़ा इससे कम है, और आज धूप भी नहीं खुली है, और बाबा सूर्यदेव के भी हमारे दर्शन नहीं हुए अभी तक। मथुरा में भी लोगों ने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और कान्हा के प्रसाद और आशीर्वाद के साथ अपने नए साल की शुरुआत की। यही बोल, सबके लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सबके लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए नया साल शुभ और खुशियों भरा हो। हम लोग आज नए साल का भगवान का श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में आके भगवान के चरण स्पर्श करके उनकी शुभकामनाएं लेना चाहते हैं कि हमारा जीवन पूरे परिवार के संग सुखमय व्यतीत हो। वही नए साल को लेकर बाराबंकी के पौराणिक लोधेश्वर महादेवा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। आसपास के जिलों से लोग इस भीषण ठंड में भी अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन और पूजन के लिए देर रात से ही मंदिर परिसर में जमा हो गए। ऐसी मान्यता है कि नए साल पर भोले बाबा से जो भी मन्नत मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। यहाँ नए वर्ष में तो हर साल आते हैं, लेकिन यहाँ आने का एक अलग मान्यता रहती है।
थोड़ा सा यहाँ आने से अपना अध्ययन की ओर जुड़ना हो जाता है और इसी से हमारी पहचान भी जुड़ी हुई रहती है, तो इससे और हमें जानकारी प्राप्त होती है। नए साल को लेकर न सिर्फ लोगों ने प्रभु के द्वार जाकर आशीर्वाद लिया बल्कि 2024 की मंगल कामना की। धर्म नगरी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रभु के प्रसाद के लिए कतारें लगाई दिखी।